हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं सुनीता कुमार। आज आपको कक्षा सातवीं की विषय हिंदी पार्ट एक प्रार्थना, जो कवि हैं डॉक्टर जय कुमार जलज, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस प्रार्थना को प्रस्तुत किया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि और बल का से कार्य करना चाहिए। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हो, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हो, कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला देंगे, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा देंगे। कवि कहते हैं प्रस्तुत पाठ के अंदर कि हम सबको अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करके स्वयं का विकास करना चाहिए, फिर चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की हमारे सामने कठिनाई क्यों ना आ जाए, यानी कि हमारे सामने किसी प्रकार की मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए। मुट्ठी में तकदीर बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारों में किसी दिए की लौ से जलने वाले, प्यासे को देखते हम सब सावन से घिर आए, सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जा। कवि कहते हैं, डॉक्टर जय कुमार कहते हैं कि हमें अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए और स्वयं की इतनी मजबूत बना लेना चाहिए कि कमजोर हमारा सहारा ना बने, कि कमजोर जो हमारी कमजोरी है वो हमारा सहारा ना बने, और हमारे जो प्यास बुझा सके तथा दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। इस प्रकार से हमें कवि बताते हैं कि हमें किसी के ऊपर में निर्भर नहीं होना चाहिए, स्वयं को अपने इस तरह बनाओ कि हमें हर मुसीबतों का सामना कर सके। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों को दीन दुख हराने को, रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। कवि कहते हैं जो व्यक्ति समाज की मुसीबतों से डर जाते हैं, थक जाते हैं, उनका सही रुझान यानी कि उस तरफ नहीं हो पाता है और वो दीन दुखियों की सेवा नहीं कर सकते और वो इसी प्रकार से दुखी हो जाते हैं। हमें अपने गांव की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरों के आंसुओं को पोंछना है, क्योंकि हमें अगर हम दूसरों की पीड़ा को समझेंगे तो ही हमारी भी पीड़ा को कोई समझ पाएगा। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उन तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हैं सपना। कवि कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ को के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, मुझे इस प्रकार की बुद्धि दे, तन मन और बुद्धि इस प्रकार की दे कि मैं पूरे जगत को अपने अच्छे कर्तव्य से, अपने कर्म से सबकी सेवा कर सकूं, सबकी रक्षा कर सकूं और अच्छे कर्म कर सकूं, इस प्रकार से मेरे जो सपने हैं वो मेरे पूरे हुए। इस प्रकार से कवि इसमें प्रार्थना कर रहे हैं और यही बताया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। आई होप आपको ये प्रार्थना कविता पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।